आपका एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं मैं शिप्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से केंद्र की बीजेपी में आए हैं तब से ही पार्टी ने लगातार हार की जगह जीत का परचम लहराया है। प्रधानमंत्री का जादू ऐसा चला कि उन्होंने जनता से जब भी जो भी मांगा जनता ने भी उन्हें भरपूर प्यार के साथ वो सब दिया जो उन्होंने मांगा। इसका जीता जागता उदाहरण कोरोना के समय देखने को मिला, जब देश के पीएम ने जनता से घर में रहने को कहा, जनता घर में रही। इसके बाद देश के सीएम ने एकजुट होकर दीपक लगाने को कहा तो पूरे देश में चाहे हिंदू हो या मुसलमान सभी की एकता देखने को मिली और मोदी की बात सुनकर हर घर में दीप भी जला। यही कारण है कि वापस से सत्ता में आने के लिए दूसरे राजनीतिक दल लगातार प्रयास कर रहे हैं और एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की आंधी का सामना करने में लगे हुए हैं। साल 2024 में चुनाव है, ऐसे में वे सभी राजनीतिक दल जो पहले एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे लेकिन अब वो आपस में एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की ताकत का सामना करने के लिए तैयार है। किसी भी राजनीतिक दल की अकेले तो हिम्मत नहीं है कि ऐसी पार्टी के सामने चुनाव लड़े जो कि लगातार जीतती आ रही है। उसी तरह अब सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का सामना करने के लिए ठान लिया है और इसीलिए जहां विपक्ष नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर एक बार फिर से चर्चा का विषय छेड़ दिया है और यही बात उन्होंने बिहार के दोनों नेताओं को भी याद दिलाई है। जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे लालू यादव की पार्टी आरजेडीयू से हाथ मिलाकर जब से सत्ता संभाली है वे बिहार में कम और दिल्ली व बंगाल में ज्यादा नजर आते हैं। कभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दरवाजा खटखटाते हैं तो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने दिल्ली पहुंच जाते हैं और तो और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी से भी इनकी मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। साथ ही साथ इन्होंने अखिलेश का दामन भी थाम रखा है, कई बार अखिलेश के साथ इन्हें बैठकें करते देखा गया है। नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इसी उधेड़बुन में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार और पूर्व जेडीयू नेता प्रशांत कुमार ने तो जैसे नीतीश और तेजस्वी यादव की हर रणनीति पर पलीता फेरने का मन ही बना लिया हो, इसी के तहत बिहार की सरकार आरजेडीयू और जेडीयू की पोल खोलने में भी वे कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मंगलवार को भी प्रशांत कुमार ने एक बयान में आरजेडीयू नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और उन्होंने 10 लाख नौकरी देने वाले वादे को उन्हें याद दिलाया। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को यह तक कह डाला कि यदि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे ना होते तो देश में ऐसी कोई नौकरी नहीं थी जो उनको उनकी काबिलियत पर मिल जाती। इसके अलावा उन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी जमकर निशाना साधा और खूब खरी खोटी सुनाई। इसके अलावा प्रशांत यहाँ पर भी नहीं रुके, उन्होंने नीतीश कुमार की भी जमकर क्लास लगाई और उन्हें याद दिलाया, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का उदाहरण दिया और उन्हें ये भी बताया कि कैसे पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू जब नरेंद्र मोदी के समक्ष चुनावी मैदान में उतरे तो उनका हश्र क्या हुआ। दरअसल प्रशांत कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को चंद्रबाबू नायडू की याद इसलिए दिलाई क्योंकि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू तेलुगु दर्शन पार्टी के अध्यक्ष थे और केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ भी थे लेकिन 2019 के चुनाव के दौरान उन्होंने ये गठबंधन तोड़ लिया और बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लग गए। कभी वे अखिलेश के घर पहुंच जाते तो कभी वे अन्य राजनीतिक दलों का दरवाजा खटखटाते, कभी राहुल गांधी से हाथ मिलाते, तो इस तरह से उन्होंने मोदी विरोधी होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना किया क्योंकि नरेंद्र मोदी की लहर जो फैली हुई थी उसे रोक पाना नामुमकिन था।
और उसी उधड़ बुन में अब यहाँ पर नीतीश कुमार भी लग गए हैं और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एकजुट भी कर रहे हैं। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ये राजनीतिक दल अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं या फिर एक बार फिर इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। इसी तरह की न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत।